जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेरस पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वाटर वेपर एंड डस्ट, जल वाष्प और धूलकण। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जल वाष्प और धूलकण के स्रोत क्या है, यानी सोर्स क्या है। साथ ही हम देखेंगे इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, कालिक और स्थानिक वितरण, इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वर्तमान समय में हमारे वायुमंडल में जल वाष्प और धूल कण की मात्रा की जो वृद्धि हो रही है उसका हमारे दैनिक जीवन पर, हमारे मौसम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर वेपर। अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो आप सभी जानते हो कि वाटर यानी जल तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। और इसमें जो जल का गैसियस फॉर्म है, गैस वाला फॉर्म है, उसे आप कहते हो वाटर वेपर। तरल वाला जो भाग है उसे आप कहते हो जल। और वाटर का जो ठोस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, ठोस पार्ट है, इसे आप कहते हो आइस, बर्फ। तो आज हम देखेंगे वाटर वेपर, जल वाष्प यानी इसके गैसियस फॉर्म को। तो इसका जहां तक सोर्स की बात है तो एक तो इसका नेचुरल सोर्स होगा और दूसरा मैन मेड सोर्स यानी मानव निर्मित स्रोत। तो सबसे पहले देखते हैं हम नेचुरल सोर्स को। तो नेचुरल सोर्स में ओशियन, सी, लेक, रिवर, सागर, समुद्र, झील, नदी, इन सभी से वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। अब आप जानते हो कोई भी प्राकृतिक जलीय भाग है, जब उसमें सूर्य की किरणें यानी हीट पड़ेगा तो ये गर्म होगा और इस गर्म जल का वाष्पीकरण होगा यानी वाष्प बनेगा और वाष्प बन के ऊपर की ओर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो वाष्प ऊपर जाएगा उसकी एक खासियत होती है, उसके अंदर होता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ध्यान रखिएगा, गुप्त ऊष्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी भी चीज की अवस्था परिवर्तन के लिए ली गई या निकाली गई ऊष्मा को ही कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। जैसे कि मान लीजिए ये जल है और जल को वाष्प में बदलना है, तो जल को वाष्प में बदलने के लिए ली गई एनर्जी को ही क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा। और वाष्प को दोबारा जल में बदलना है तो जो एनर्जी ताप रिलीज की जाएगी, निकाली जाएगी, वही होगी गुप्त ऊष्मा। यानी अवस्था परिवर्तन के लिए ली गई ऊष्मा या निकाली गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक। अब यहां देखिए, जब सूर्य की किरण पड़ी यानी टेम्परेचर जलीय भाग पे पड़ा और इसका जल गर्म हुआ तो वाष्प बन के ये ऊपर उठा, तो ये जो वाष्प है इसके अंदर क्या है, गुप्त ऊष्मा शक्ति है, लेटेंट हीट है। ठीक। अब जलीय भाग पे जो टेम्परेचर पड़ा और ये वाष्प बना, इसे कहा जाता है वाष्पीकरण, ठीक, इवेपोरेशन। बात क्लियर। ये तो हो गया नेचुरल कॉज, वाष्पीकरण की वजह से हमारे वायुमंडल में वाष्प पहुंचा। ठीक, हमारे वायुमंडल में वाष्प पहुंचा। एक और कारण है वाष्पोत्सर्जन, इवेपोट्रांसपिरेशन। अब ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मिट्टी में आप जानते हो सॉइल में नमी होती है। मान लीजिए कोई मिट्टी वाला एरिया है और इसमें नमी है, अब सूर्य की किरणें पड़ेंगी यानी टेम्परेचर जब आएगा तो इसकी नमी वाष्प बन के आपके वायुमंडल में चली जाएगी, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। और वेजिटेशन से भी, वनस्पतियों से भी, आप जानते हो पेड़ों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प निकलता है। तो सागर, समुद्र, झील, नदी से जो वाष्पीकरण होता है, वाष्प निकलता है, उसे कहते हैं वाष्पीकरण। जबकि मिट्टी या वनस्पतियों से जो नमी निकलती है, वायुमंडल में जाती है, उसे कहते हैं आप वाष्पोत्सर्जन। फाइनली दोनों से जल गैस के रूप में हमारे वायुमंडल में पहुंच गया।
तो ये तो हो गया प्राकृतिक कारण, यानी नेचर ने ये व्यवस्था कर दी है कि हमारे वायुमंडल में जल गैसियस रूप में, गैसी फॉर्म में चला जाए। ठीक, लेकिन मानव ने क्या किया है जरा देखिए, आज की डेट में आप देखिए, मानव बांध बनाता है और बांध बना के रिजर्वायर बनाता है, जलाशय बनाता है, उसके बाद मैन मेड लेक बनाता है, मानव निर्मित झील बनाता है, नहरें बना रहा है, नहरों में भी पानी जा रहा होता है, इरिगेशन सिंचाई कर रहा होता है, तालाब बनाता है। अब इन सभी जलीय भाग से, ये सभी जलीय भाग कौन बनाया है, मानव ने बनाया है। अब इन सभी जलीय भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है, और जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो आपके वायुमंडल में वाष्प की मात्रा जाएगी। ठीक, उसके बाद फॉरेस्टेशन, आप जान रहे हो जो प्राकृतिक वृक्ष थे इनको काट दिया गया, और काटने के बाद अगर वहीं पे दोबारा वृक्ष लगा दिया जाए, तो उसे कहा जाता है अफॉरेस्टेशन। और एक अगर नई जगह पे वृक्ष लगाया जाए जहां पहले वृक्ष नहीं थे, वहां पे अगर वृक्ष लगाया जाए तो उसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक, तो आज ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में आप देख रहे हो कि वनीकरण भी किया जा रहा है और पुनर्वन रोपण भी किया जा रहा है, तो अफॉरेस्टेशन भी किया जा रहा है और रिफॉरेस्टेशन भी किया जा रहा है। अब पेड़ों की मात्रा में अगर वृद्धि होगी, उनकी संख्या में वृद्धि होगी, तो वाष्पोत्सर्जन में भी तो वृद्धि होगी और ये वाष्प हमारे वायुमंडल में पहुंचेंगे, तो ये मानव द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो आप ये समझ गए कि हमारे वायुमंडल में वाष्प पहुंच रहा है, और जिसके पास लेटेंट हीट है, जिसके पास गुप्त ऊष्मा शक्ति है। ठीक, अब देखिए इनका वितरण देखते हैं, जल वाष्प का जो वितरण है, ये देखिए ग्लोब है। ठीक, अब इस ग्लोब को देखिए, ये है भूमध्य रेखा। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएं, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं, चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, तो आप देखिए तापमान का, अगर आप पीछे वाला टॉपिक पढ़े होगे, वीडियो देखे होगे, तो आप समझ रहे होगे, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे तापमान की तापमान में कमी आती है। आप जानते हो कि सूर्य की कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सीढ़ी पड़ती है, तो इन दोनों भागों में, कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र में, तो तापमान की मात्रा अधिक होगी क्योंकि सूर्य तक की अधिक प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे कर्क रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएं या मकर रेखा से ध्रुव की ओर जाएं, तो तापमान की मात्रा में कमी आती जाती है। अब जब तापमान ही कम होगा तो वाष्प की मात्रा क्या होगी, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी, और वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी तो आपके वायुमंडल में वाष्प की मात्रा कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएं तो वाष्प की मात्रा कम होती जाती है, और उसी तरह से अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं तो भी वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। ठीक, और इसी तरह से अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं सतह से ऊपर की ओर तो भी वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। सिंपल सी बात है, वाष्प बनने के लिए क्या चाहिए, एक तो तापमान और दूसरा वाटर। टेम्परेचर और वाटर दोनों जहां होगा, टेम्परेचर अधिक हो और वाटर दोनों जहां होगा वहां जल वाष्प मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर तापमान हो लेकिन वहां पे जल ना हो, जैसे रेगिस्तानी भाग, ठीक, तो रेगिस्तानी भाग में जल नहीं मिलेगा, बेशक तापमान अधिक होगा तो उस एरिया में जल वाष्प की मात्रा कम पाई जाएगी। उसी तरह से अगर हम पर्वतीय एरिया में चले जाएं तो पर्वतीय एरिया में पर्वतों के शीर्ष पे बर्फ जमा होता, वैसे ही आप जानते हो सतह से पर्वतीय एरिया में जैसे जैसे ऊपर जाते हम तापमान कम होता जाता है, और पर्वतीय एरिया ही क्यों, पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाएं तो नॉर्मल लैप्स रेट से तापमान कम होता जाता है। यानी आप देखिए लगातार अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो तापमान अगर कम होगा, सेम कंडीशन ये पर्वतों के लिए बता रहा हूं मैं, अगर सतह से ऊपर जाए तापमान कम होगा तो वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वाष्प के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर और वाटर। ठीक, अब भूमध्य रेखा से देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, तो जब तापमान ही कम होता जाएगा तो जल वाष्प की मात्रा कम मिलेगी। उसी तरह पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाया जाए तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वाष्प की मात्रा सामान्यतः
ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँ कि चक्रवात आया, चक्रवात चक्रवात की दशा को हटा दिया जाए, सामान्य दशा में 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वाष्प की मात्रा पाई जाती है। ठीक, तो ये तो रहा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अभी आप समझे क्या कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाया जाए तो वाष्प की मात्रा कम होगी। ठीक, ये तो हो गया क्षैतिज। लेकिन ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाया जाए तो वाष्प की मात्रा कम होगी, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। ठीक, अगर स्थानिक में भी देखिए, रेगिस्तानी इलाकों में टेम्परेचर बेशक अधिक होगा लेकिन तापमान अधिक होने के बाद भी जलीय भाग न होने के कारण वाष्प की मात्रा कम मिलेगी। उसी तरह जहां बर्फ जमा होगा, तापमान कम होने की वजह से, बर्फ यानी पानी का एक रूप है, तापमान कम होने की वजह से उन क्षेत्रों में वाष्प की मात्रा कम पाई जाएगी। अब उसी तरह से अगर हम देखें तो आप देखिए, सूर्य की किरणें जून के समय कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमकती है। सूर्य की किरणें जून के समय कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमकती है। अगर कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमक रही है तो कर्क रेखा वाले एरिया में तो टेम्परेचर अधिक होगा, यानी गर्मियों का समय होगा। उसी समय जहां जब जून के समय उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा पर गर्मी का समय होगा, मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सर्दियों का समय होगा, तो यहां तो वाष्प की मात्रा अधिक होगी उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तापमान कम होने की वजह से, यानी सर्दियों का समय है तो तापमान कम होगा, तापमान कम होने की वजह से वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। अब 22 दिसंबर के समय मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी चमकती हैं। तो जब मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी चमकेंगी तो यहाँ तापमान अधिक मिलेगा, और तापमान अधिक मिलेगा तो मकर रेखा पर के आसपास के क्षेत्रों यानी दक्षिणी गोलार्ध में वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, सॉरी वाष्पीकरण या और वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। उसी समय यानी दिसंबर के समय ही उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का समय होता है। जब इस समय यहां सर्दियों का समय होगा तो तापमान कम मिलेगा और उत्तरी गोलार्ध में वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण कम होगा। तो ये रहा आपका कालिक वितरण। आप देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो, पिछली वीडियो मौसम संबंधी परिवर्तन तो देख लीजिएगा। देखिए, आपको पता होगा 21 मार्च के दिन सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर, यह है आपका विषुवत रेखा, यह है आपका कर्क रेखा और यह है आपका मकर रेखा। ठीक, ये कर्क यानी कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर। 21 मार्च के दिन सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर, 21 जून के समय कर्क रेखा पर, 23 सितंबर के समय विषुवत रेखा पर और 22 दिसंबर के समय मकर रेखा पर। अब जहां भी सूरज की किरणें सीधी चमकेंगी वहां तापमान अधिक मिलेगा। अब जब जून के समय कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी चमकेंगी तो यहां तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। अब जब कर्क रेखा पर वाष्पीकरण, तापमान अधिक होने की वजह से वाष्पीकरण होगा, लेकिन उसी समय मकर रेखा यानी जून के समय ही अगर हम मकर रेखा पर देखें तो यहां सर्दियों का समय होता मकर रेखा पर, और उस समय जब सर्दियों का समय वहां होगा तो वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी। जस्ट उल्टा, 22 दिसंबर यानी दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जब मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी दिसंबर के समय, तो इस समय यहां तापमान अधिक होगा, और यहां तापमान अधिक होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में वाष्पीकरण अधिक होगा, तो इस समय यहां वाष्प की मात्रा अधिक होगी। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी बताया हूं 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प की मात्रा समानता पाई जाती है। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, अभी मैं आपको बता चुका हूं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती है। गर्म तथा उष्ण कटिबंध में जलवाष्प वायु के आयतन का 4% होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी उष्णकटिबंध यानी 23.5 से लेके 23.5 के बीच में, 23.5 उत्तरी गोलार्ध और 23.5 दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से 23.5 यानी कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। तो इस रीजन में जल वाष्प की मात्रा वायु के आयतन का 4% होती है। ठीक, लेकिन अगर हम ध्रुवों और ठंडे रेगिस्तानों और शुष्क क्षेत्रों की बात करें तो वहां वायु के आयतन का 1% से भी कम होता है। तो ये फैक्ट आप जरा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका महत्व तो क्या है भाई, अगर वायुमंडल में जल वाष्प नहीं होगा, और जल वाष्प नहीं होगा
तो बारिश नहीं होगी। सीधी सी बात है, जब ये जल वाष्प हमारे वायुमंडल में ऊपर जाता है, ये जल वाष्प जब ऊपर जाएगा तो संघनन होगा इसका, और संघनन होगा तो बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो इसका पहला इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व तो क्या है, वर्षा। दूसरा, ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। कैसे, जरा देखिए, ये हमारी पृथ्वी का सतह और ये सूर्य भगवान, और आप सभी को पता है सभी की ऊर्जा का सोर्स यानी स्रोत कौन है, सूर्य है, और ये रास्ते में है जलवाष्प, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये जलवाष्प हमारे वायुमंडल में। ठीक, अब सूर्य की किरणें चली, अब सूर्य से आने वाली जो सौरिक विकिरण है वो निम्न तरंग दैर्ध्य की होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, तो ये जलवाष्प उनको क्या करता है, आने दिया, और ये हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ी, और जब हमारी पृथ्वी की सतह गर्म हुई तो पृथ्वी की सतह से जो निकलने वाली हीट वेव्स है वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, उच्च तरंग दैर्ध्य की होती है, जिसे आप कहते हो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। अब ये चूंकि उच्च तरंग दैर्ध्य की होती है, तो ये जो वाष्प है, ये वाष्प ये जाने वाली हीट को, पृथ्वी से जाने वाली ऊर्जा को, तापमान को एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है। ठीक, और ये वाष्प गर्म हो जाता है, और बात क्लियर, यानी पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को वाष्प एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, अब ये दिन का समय है, जब रात होगी तो सूर्य से तो रोशनी मिलेगी नहीं, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। अब रात के समय यही जल वाष्प ये तापमान क्या करता है, रिलीज करता है, और जब ये तापमान रिलीज करेगा तो हमारे वायुमंडल का तापमान बना रहेगा। ठीक, तो हमारे वायुमंडल के तापमान को, हमारी पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान को, पृथ्वी मतलब पृथ्वी की सतह के ऊपर तापमान को मेंटेन करने का काम करता है ये हमारा जल वाष्प। अगर ये नहीं होता तो ये दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी से निकल रही है उष्मा, वो क्या हो जाती, बाहर चली जाती, और रात के समय हमारे वायुमंडल का तापमान क्या होता, माइनस में आ जाता। ठीक, दूसरा ये काम करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। आप एक वीडियो बना चुका हूं CO2 और ग्लोबल वार्मिंग के, तो आप उस वीडियो को देख भी सकते हो, लेकिन फिलहाल यहां बता दूं कि जब यहां तो मेन दोषी ग्रीन हाउस इफेक्ट का आप जानते हो CO2 है, ग्लोबल वार्मिंग का मेन दोषी क्या है, CO2, लेकिन हम बात यहां कर रहे हैं जलवाष्प की। अब होता क्या है कि जब दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण पृथ्वी से निकलती है तो जल वाष्प उसे क्या करता है, रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस टेम्परेचर को हमारी वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता, और नहीं जाने देने की व्यवस्था ही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक, अगर ये चली जाती तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। तो टेम्परेचर को रोक लेना ही, जैसे रात के समय सर्दियों में आप कंबल ओढ़ते हो और कंबल क्या करता है, आपके शरीर के तापमान को बाहर नहीं जाने देता, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। तो वाटर वेपर जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैस का ही काम करती है, फिलहाल दोषी बेशक CO2 है, लेकिन ये भी क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस का ही काम करती है। बात क्लियर है। अब आज के समय में हमारे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, आप अभी पीछे आप देखे हो कि मानो ढेर सारी क्रियाकलाप कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऊर्जा निकल रही है, और ऊर्जा रिलीज हो रही है, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, तो तापमान बढ़ रहा है, और तापमान जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो हमारे वायुमंडल में वाष्प ज्यादा होगा, और जब वाष्प ज्यादा होगा तो पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को ये क्या करेगी, जलवाष्प रोक लेगी, वो हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देगी, तो हमारे वायुमंडल का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, यानी आपके वायुमंडल में अगर जल वाष्प की मात्रा बढ़े तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को ये जल वाष्प एब्जॉर्ब कर लेगी, बाहर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से तापमान बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव ये पड़ेगा कि जो तापमान बाहर चला जाना चाहिए था वो वाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक मात्रा में तापमान को ट्रैप कर लिया गया, अधिक मात्रा में दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को रोक लिया गया, और रोकने की वजह से क्या होगा, तापमान और बढ़ जाएगा,
जब तापमान और बढ़ेगा तो उसे क्या कहोगे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक। अब जल वाष्प, आप सोचिए अगर जल वाष्प कम हो, जल वाष्प कम हो तो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण निकला तो कम ही दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण रुकेगा, बाकी तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर जल वाष्प की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो जितनी भी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण पृथ्वी से निकलेगी सारी क्या कर ली जाएंगी, रोक ली जाएंगी। और जब सारी रोक ली जाएंगी तापमान क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनेगा। ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण हमारे लिए क्या है, फिलहाल तो CO2 है, लेकिन ये भी एक कारण है जल वाष्प। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, डस्ट, धूल कण। धूल कण को एरोसोल या पार्टिकुलेट्स भी कहा जाता है। ठीक। अब ये कहां से कौन कौन है, जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, आप पौधों से पराग कण निकलते देखे होंगे, उसके अलावा धूल और उल्का के टूटे हुए कण। ठीक। अब उल्का के टूटे हुए कण क्या है, ये देखिए हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के ऊपर ये हमारा वायुमंडल, कोई उल्का पिंड कहीं से आ रहा है और हमारे वायुमंडल से होकर गुजर रहा है। अब ये हमारे वायुमंडल से होकर गुजरेगा तो चूंकि हमारे वायुमंडल में गैसें हैं तो इन गैसों से इस उल्का पिंड के बीच घर्षण होगा, गैसों से घर्षण होगा तो उल्का पिंड का कुछ भाग क्या होगा, टूट के हमारे वायुमंडल में ही रह जाएगा, यानी उसके धूल कण जो फ्रिक्शन से, घर्षण से जो धूल कण निकलेंगे हमारे वायुमंडल में रह जाएंगे और ये उल्का पिंड जो बचा हुआ भाग आगे चला जाएगा। अभी उल्का पिंड धीरे धीरे क्या होंगे, हमारी पृथ्वी की सतह पे आएंगे। ठीक। तो इससे क्या होगा, धूल कण ही तो है तो उल्का पिंड से भी क्या होता है, धूल कण की मात्रा हमारे वायुमंडल को प्राप्त होती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे पृथ्वी का अगर वजन बढ़ रहा है तो केवल और केवल एक ही कारण है, उल्का पिंड। ठीक। यानी हमारी पृथ्वी का अगर किसी कारण से वजन बढ़ा तो उल्का पिंड ही वो कारण होगा, कोई और कारण नहीं। ऐसा नहीं आप खेती कर रहे हो, आप माइनिंग कर रहे हो, इससे वो तो पृथ्वी की चीज है ना, पृथ्वी से चीज से लिए, खेती किया और फिर सड़ गल के फिर पृथ्वी मिल गई, उसमें तो कुछ अलग वृद्धि नहीं हुई, लेकिन बाहर से कौन आया, उल्का पिंड। चलिए अब डस्ट के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। एक तो हो जाएगा प्राकृतिक कारण और दूसरा होगा मानव निर्मित कारण। देखते हैं पहले, सबसे पहले प्राकृतिक कारण को। देखिए चक्रवात, आप अपने गांव में चक्रवात को यूं समझिए, बवंडर, आप अपने गांव में बवंडर देखे होंगे, बवंडर आप गांव में खेतों में सड़कों पर देखते होंगे कि गोल गोल हवा घूमते हुए ऊपर उठ रही है। तो जब ये हवा गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठेगी तो क्या होगा, जो धूल कण है वो भी तो ऊपर उठेंगे, तो वायुमंडल में आके ये धूल कण पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप देखते हो पूरे विश्व में जगह जगह पर वॉल्केनोज होता है, वॉल्केनिज्म होता है, ज्वालामुखीयता होती है। तो ज्वालामुखी जब फूटेगा, इरप्ट होगा, तो धूल कण, राख ये आपके वायुमंडल में जाएंगे तो आपके वायुमंडल को डस्ट प्राप्त होगा। और उल्का पाती धूल, अभी भी बताया हूं, कोई उल्का पिंड हमारे वायुमंडल से होकर गुजर रहा है तो वो उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो हमारी पृथ्वी पर आएगा, हमारे वायुमंडल में मिलेगा, तो उल्का पाती धूल। ये तो नेचुरल कॉज हो गया, लेकिन मानव निर्मित कारण क्या है। देखिए आप यातायात कर रहे हो, आप गाड़ियां चलाते हो तो धूल उड़ता है कि नहीं उड़ता है, तो वायुमंडल में तो जाएगा। आप उद्योग धंधे लगाते हो, धुआं, आप इंडस्ट्री में आप देखिए धुआं निकलता है तो उससे छोटे छोटे जो जो पार्टिकल्स है वो आपके वायुमंडल में आते हैं। आप खनन करते हो, माइनिंग करते हो तो माइनिंग से भी आपके वायुमंडल में धूल जाता है। आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो, उपग्रह प्रक्षेपण करते हो तो आप देखिए, आप कभी भी वीडियो देखिएगा मंगलयान का भी जो हाल फिलहाल में हुआ है, आप देखिए नीचे ढेर सारे गैस के धुएं का गुब्बार दिखाई देता है, वो कहां जाएगा, फाइनली आपके वायुमंडल में ही जाएगा। न्यूक्लियर टेस्ट किया जाए तो भी धूल उत्पन्न होगा, वायुमंडल में जाएगा। और खेती करते जब हम, तो गेहूं जैसे काट लिया गया तो गेहूं को दाने को डंठल से अलग करने में क्या किया जाए, थ्रेसिंग की जाती है, तो उस प्रक्रिया में आप गांव में देखिए धूल की मात्रा बहुत निकलती है। तो इन सब मानवीय कारणों से हमारे वायुमंडल में धूल यानी डस्ट पहुंचता है। चलिए अब इसका वितरण देखा जाए, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं
वैसे वैसे धूल कण की मात्रा कम होती जाती है। पृथ्वी की सतह पर धूल कण के बड़े कण, उससे ऊपर उससे छोटे कण, उससे ऊपर उससे छोटे कण, उससे ऊपर उससे छोटे कण मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाएंगे, धूल कण की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, तो धूल कण की मात्रा कम होती जाएगी। अब सिंपल सी बात है, धूल कण के लिए क्या चाहिए, एक तो तापमान चाहिए और वायु जो हो वो शुष्क हो, वायु में नमी ना हो, यानी जहां पे आर्द्रता कम होगी और तापमान अधिक होगी वहां धूल कण की मात्रा अधिक होगी। जैसे रेगिस्तानी इलाकों में आप देखिए, रेगिस्तानी इलाकों में आर्द्रता कम होती है और तापमान अधिक होता है, तो वहां के वायुमंडल में दिन के समय तेज हवाएं चल रही, देखिए वायुमंडल में धूल कण दिखाई देंगे। ठीक, अगर हम भूमध्य रेखा पर देखें, हम भूमध्य रेखा पर देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन 2 से 4 के बीच में बारिश होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है, तो भले तापमान अधिक हो लेकिन क्या धूल कण उड़ेगा, नहीं उड़ पाएगा। उसी तरह से अगर हम ध्रुवों की ओर चले जाएं, ध्रुवों पर चले जाएं, तो वहां तापमान बहुत कम हो जाता है, बर्फ जमा होता है, तो वहां धूल कण मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाएं तो धूल कण की मात्रा घटती चली जाती है। और धूल कणों का जो जमाव है उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में अधिक होता है। और क्यों होता है, कभी बताया हूं, वहां पर वायु शुष्क होती है, आर्द्रता कम होती है, तापमान थोड़ा अधिक होगा तो धूल कण मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब इसका महत्व क्या है, हाइग्रोस्कोपी न्यूक्लियाई। ध्यान रखिए हमारे वायुमंडल में ये धूल कण हैं। अब जो जमीन से वाष्प यानी जली भागों से वाष्प वेपर, अभी इसी वीडियो में वेपर की बात किया था, ये वेपर जो ऊपर जाते हैं, ये ऊपर जाके किसी न किसी चीज पर इकट्ठा होते हैं। वो चीज क्या है, वो कण क्या है जिसके ऊपर इकट्ठा हुए, उनको एक विशेष नाम दिया गया है, कहा गया आर्द्रता ग्राही नाभिक यानी हाइग्रोस्कोपी न्यूक्लियाई। तो ये एक धूल का कण है और जो वाष्प गया इसी के चारों ओर इकट्ठा होके संघनित हुआ और संघनन के बाद ये बूंद बन गया, पानी की बूंद बन गया, बात क्लियर। और यही संघनन के बाद ये पानी की बूंद नीचे आई तो वर्षा हुई। ठीक, अब यही हाइड्रोस्कोपी न्यूक्लियाई यानी आर्द्रता ग्राही नाभिक अगर वायुमंडल में न हो तो सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी भले ही 100% 200% हो जाए, बारिश नहीं होगी। आप जानते हो सापेक्षिक आर्द्रता अगर 100% हो जाए तो बारिश होती है, लेकिन अगर हाइग्रोस्कोपी न्यूक्लियाई आर्द्रता ग्राही नाभिक वायुमंडल में नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये जो नीचे से वाष्प ऊपर की ओर जाता है वो किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी चीज पर, चाहे वो धूल का कण हो, नमक के छोटे पार्ट्स हो, उस पे इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने को क्या कहते हैं हम, संघनन। जब वो संघनित हो जाता है तो पानी की बूंद बन जाता है और फिर वो नीचे गिरता है। तो वर्षा होने के लिए हाइग्रोस्कोपी न्यूक्लियाई आर्द्रता ग्राही नाभिक की अति आवश्यकता होती है। ठीक, अब इसके अलावा देखा जाए अगला इंपॉर्टेंस स्कैटरिंग। देखिए होता क्या है, आपके वायुमंडल, आपका आकाश नीला दिखता है। तो आपका आकाश नीला क्यों दिखता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकराकर स्कैटर्ड होता हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, तो हमारा वायुमंडल नीला दिखता है। तो अगर यही प्रकीर्णन न हो, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न हो, तो हमारा वायुमंडल नीला नहीं दिख पाएगा। तो सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए हमारे वायुमंडल में धूल कण की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा ये धूल कण हमारे वायुमंडल के तापमान को रेगुलेट करते हैं, जैसे अभी बताया हूं जलवाष्प भी हमारे वायुमंडल के तापमान को रेगुलेट करते हैं। सेम तरीका है, देखिए हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को पाके गर्म हुई, हीट पाई और गर्म हुई, और उसके बाद दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण पृथ्वी से निकला, रास्ते में मिल गया धूल का कण, और वो धूल का कण इस तापमान को
एब्जॉर्ब कर लिया जो सूर्य पृथ्वी से निकली थी दिव्य तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में, और एब्जॉर्ब कर लिया, और रात के समय यही तापमान क्या हुआ, रिलीज हुआ, और हमारे वायुमंडल का तापमान बना रहा। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता, ये नहीं रोकती, तो क्या होता, ये दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण बाहर चला जाता और रात में हमारे वायुमंडल का तापमान बहुत कम हो जाता। तो हमारे वायुमंडल के तापमान को बनाए रखने में इन धूल कणों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, और ये भी क्या होती है, कंबल की तरह काम करती है, जैसे हमारे लिए जल वाष्प करता है। ठीक, इसके अलावा डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्री लाइट डिफ्यूजन से विसरण से एक ट्री लाइट सांध प्रकाश, हिंदी में कहते हैं सांध प्रकाश, ये दो प्रकार का होता है, मॉर्निंग और इवनिंग, प्रातःकालीन और सायंकालीन। ठीक, अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये हमारे सूर्य भगवान, और सूर्य से रोशनी लाइट निकल रही है, और ये हमारी पृथ्वी। ठीक, ये हमारी पृथ्वी, सूर्य से जहां सीधी किरण पड़ रही है, यहां तो दोपहर होगा, यहां क्या होगा, नून होगा, दोपहर होगा इस जगह पे। अब इस जगह पे मॉर्निंग होगा और इस जगह पे इवनिंग होगा। क्यों, आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो यहां क्या होगा, मॉर्निंग हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। अब जरा देखिए, मॉर्निंग की जगह पे एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां तो सूरज की पीली किरणें, आप जानते हैं सूर्य की किरण पीली होती, पीली किरणें इस पॉइंट पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे अंधेरा नहीं होता। कारण क्या होता है, जब ये सूर्य की किरणें आगे चलती हैं, हमारे वायुमंडल से गुजरती हैं, तो धूल कण से वो विसरित होकर जहां रोशनी नहीं है, जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच रही, वहां भी रोशनी होती है। आप सुबह सुबह के समय देखिए, सूर्य की किरणें आपको, पीली सूर्य की रोशनी आपको नहीं दिखाई देती है, लेकिन उजाला होता है। ठीक, आप चीजों को देख पाते हो, तो वो कैसे देखते हो, वो विसरण से ही, वो डिफ्यूजन से, सनलाइट का क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, और जिसकी वजह से आप सूर्य की रोशनी नहीं आते हुए भी आपके पास तक आप चारों ओर की चीजें देख पाते हो। ठीक, जिसे आप भोर कहते हो, भोर का कारण क्या है, ये विसरण ही है। आप शाम के समय देखिए, सूर्य की किरण आपको नहीं दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है, ये सूर्य का प्रकाश आगे बढ़ा और आपके वायुमंडल में क्या है, धूल कण है, और इससे टकराया और विसरित होकर यहाँ पहुंच गया। ठीक, तो यहाँ तो इस जगह पे सूरज की किरण दिखाई दे रही है, पीली रोशनी पड़ रही है, शाम है। ठीक, तीखी रोशनी नहीं है, हल्की रोशनी, शाम है, लेकिन उसके पीछे और पीछे वाले भाग में क्या है, रोशनी नहीं दिख रही है, सूरज की किरण नहीं दिख रही है, लेकिन चीजें आपको क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। तो इसी को कहते हैं ट्री लाइट, और ट्री लाइट यानी सांध प्रकाश, और सांध प्रकाश दो प्रकार होगा, एक सुबह का एक शाम का। तो आप समझ गए होंगे इस बात को, अगर ये व्यवस्था नहीं होती, ये चीजें नहीं होती, प्रकृति ऐसी व्यवस्था नहीं की होती, तो क्या होता, अचानक सूर्य निकल जाता, आप सोए हो, अचानक सूर्य निकल गया, अचानक चारों रोशनी हुई, और दिन का समय तो ठीक है, रात में क्या होता, अचानक सूर्य हट जाता, अचानक अंधेरा छा जाता, ये तो बहुत विकट स्थिति आ जाती। इसलिए क्या होता है, ये विसरण जो है, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और उसका कारण कौन बनता है, धूल कण। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में ये धूल कण। एक अब इसी के साथ एक चीज और है, देखिए डिफ्यूज डेलाइट। अब डिफ्यूज डेलाइट में आप देखिए, होता क्या है कि आप दिन का समय है, और दिन के समय सूरज की किरणें आपके कमरे के अंदर नहीं आ रही हैं। ठीक, सूरज की किरणें आपके कमरे के अंदर नहीं आ रही, आपका दरवाजा खुला है, फिर भी सूरज की किरण सनलाइट आपके कमरे के अंदर नहीं आ रही है, लेकिन कमरे में रखी हुई चीजें आपको दिख रही हैं। हुआ क्या, ये आपका कमरा था, होता क्या है, ये मान लीजिए ये कमरा है, और कमरे के बाहर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और बाहर क्या होता है, धूल कण मौजूद है, तो धूल कण पे सूर्य का प्रकाश पड़ के विसरित हो जाता है और आपके कमरे की ओर आ जाता है।
तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, लेकिन सूर्य का प्रकाश विसरित होकर आपके कमरे में आता है, जिसकी वजह से आपके कमरे की चीजें आपको दिखाई देती हैं। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके कमरे के बाहर तो रोशनी होती, सनलाइट पड़ रही है, लेकिन कमरे के अंदर क्या होता, दरवाजा खुले होने के बावजूद भी अंधेरा होता। तो ट्री लाइट और डिफ्यूज डे लाइट के लिए धूलकण बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं होते तो अचानक सूर्य निकलता और अचानक रात होती, शाम और सुबह का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, अचानक दिन हुआ और अचानक रात हो जाती। उसी तरह से कमरे की चीजें, जब सूरज होता तो भी बाहर दिखाई देता, लेकिन अंदर वाली चीजें क्या होती, नहीं दिखाई देती। तो ये धूलकण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, धूलकण की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, और आप जान रहे हो ये सारी चीजें क्यों होगी। नेचर जो जितना एकदम बैलेंस, कोई भी चीज जो करती है नेचर वो एकदम बैलेंस करती है, तो नेचर ने कोई गड़बड़ी नहीं की, लेकिन मानव की जो एक्टिविटी बढ़ गई है, मानवीय गतिविधियां जो बढ़ गई है, उसकी वजह से हमारे वायुमंडल में धूलकण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हो इंडस्ट्री लगा रहे हो आप, ढेर सारे ट्रांसपोर्टेशन की चीजें बढ़ गई है, ठीक, मिसाइलें छोड़ रहे हो आप, सैटेलाइट छोड़ रहे हो, न्यूक्लियर टेस्ट लगातार कर रहे हो आप, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वायुमंडल में आपके धूलकण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। और जब धूलकण की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। अभी बताया हूं कि दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को हमारे जो धूलकण है वो क्या करते हैं, रोक लेते हैं। अब जितनी अधिक धूलकण की मात्रा होगी उतना ही अधिक दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को रोका जाएगा, और रोका जाएगा तो इस ताप, ये जो टेम्परेचर बाहर चला जाना चाहिए था वो रोक लिया जाता है पूरी तरह से, और इस जगह का तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ेगा तो उसे आप क्या कहते हो, ग्लोबल वार्मिंग कहते हो, भूमंडलीय तापन कहोगे आप। क्यों भूमंडलीय तापन कहोगे, ये प्रोसेस पूरे पृथ्वी पर होगा, ठीक, इसे क्या कहोगे आप, भूमंडलीय तापन कहोगे, पूरी पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं एक ही जगह बढ़ेगा, तो इसे क्या कहोगे, भूमंडलीय तापन कहोगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो अगर धूलकण की मात्रा बढ़े तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। इसके अलावा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। अब अभी भी बताया हूं आप लोगों को कि बारिश होने के लिए हाइग्रोस्कोपी न्यूक्लियाई यानी आद्रता ग्राही नाभिक के रूप में धूलकण वायुमंडल में मौजूद होते हैं, और जितनी अधिक आद्रता ग्राही नाभिक होंगे बारिश की मात्रा उतनी अधिक होगी। इसके अलावा हमारे पेड़ों की पत्तियों पर, अगर ये धूलकण बैठ जाए, तो पेड़ों की पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब जब धूलकण बैठ जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर ठीक से पड़ेगा नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगी, कमी होगी, और प्रकाश संश्लेषण में कमी होगी, फोटोसिंथेसिस में कमी होगी, तो हमारे पेड़ों की, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। तो आप देखते हो शहर में पेड़ों के ऊपर पेड़ों की पत्तियों के ऊपर धूल जमा होते हैं, और जो धूल जमा हुआ तो पेड़ों की वृद्धि रुकी। इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में तकलीफ होगी। आप जानते हो अगर आप गांव में रहते हो और थ्रेसिंग का काम हो रहा हो तो आप देखिए लोग मुंह पे कपड़े बांध लेते हैं, क्योंकि धूलकण नाक में चले जाते हैं, ठीक, क्योंकि उससे सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए अगर धूलकण की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ेगी तो सांस की प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो ये रहा आज का सेशन जलवाष्प और धूल करते। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।